हेलो नमस्कार प्रिंसिपल, मैं आपका स्वागत। हम एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बताने वाले और एक सरकारी आदेश दिखाने वाले। ठीक है, सरकारी आदेश मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर है, पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है। ये अतिरिक्त शिक्षकों के आंदोलन की अनुमति मिल चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके सील और हस्ताक्षर है मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मध्य प्रदेश के सभी अतिरिक्त शिक्षकों के लिए। ठीक है, पूरी विस्तार से बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नए अपडेट पाने के लिए। इसमें बोला गया है, न्यायालय विशेष कार्यपालन मजिस्ट्रेट सहायक पुलिस अधीक्षक जहांगीराबाद भोपाल। ठीक है, कारण बताओ नोटिस आवेदक मध्य प्रदेश शासन द्वारा थाना प्रभारी एवं जहांगीराबाद। इसमें बोला गया है, आवेदन क्रमांक 1 केसी पवार अध्यक्ष और आजाद स्कूल अतिरिक्त शिक्षक संघ, मोबाइल नंबर भी दे रखा है। और आवेदक क्रमांक 2 सुनील से परिहार और अतिथि शिक्षक सामान्य व समिति। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है, आज दिनांक 18/2/2023 को मेरे अधिकार क्षेत्र में स्थित पुलिस थाना जहांगीराबाद के थाना प्रभारी के इस्तगास क्रमांक 56/2023 में चलान रिपोर्ट के आधार पर 107 और 116 दंड प्रक्रिया सहित के अंतर्गत आज दिनांक 18/2/2023 को समक्ष में पेश किया। इसके अवलोकन कराने पर पाया गया है कि आपिस के माध्यम से प्राप्त पत्र जिसमें अनिवेदक श्री केसी पवार अतिथि शिक्षक आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मोबाइल नंबर दे रखा सुनील से परिहार प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति द्वारा 21/2/2023 को नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन किए जाने एवं ध्वनि वितरण यंत्र का उपयोग किए जाने एवं धरना प्रदर्शन सभा के दौरान लगभग 1000 से 1200 के लगभग महिला और पुरुष उपस्थित रहने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक और महोदय अधिसूचना नगर पुलिस भोपाल के माध्यम से आवेदनकर्मियों की कुल 16 शर्तों के आधार पर धरना प्रदर्शन किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। और आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत धरना प्रदर्शन नीलम पार्क में भोपाल शहर के माध्यम से होकर मुख्य एक तरफ छोटा तालाब के हिस्से एवं दूसरी तरफ नए शहर से पुराने शहर को जोड़ने वाले मार्ग पर प्रस्तुत कर जनमानस का आगमन प्राप्त बना रहेगा। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रस्तुत संख्या 1000 से 1200 के करीब रहेगी। यदि प्रदर्शन में सदस्यों की संख्या में आकर्षक वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है। चूंकि दिनांक 21/2/2023 को होने वाले प्रदर्शन के नेतृत्व जनगणनाओं द्वारा आवेदनकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी शर्त उल्लंघन होता है तो शांति भ्रम या भंग होती है तो शांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। ऐसे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें। ठीक है फ्रेंड्स, ये आदेश जारी किया गया है पुलिस अधीक्षक मजिस्ट्रेट के द्वारा। धन्यवाद फ्रेंड्स।